साथियों अब तक मैंने आपको ये तीतरों की आवाज़ सुनवाई और मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था लेकिन आके कहना पड़ रहा है इनकी आवाज़ को सुनकर कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह ये तीतर अदृश्य हैं बस सिर्फ इनकी आवाज़ें दिखाई दे रही हैं ठीक उसी तरह आज हमारा पहाड़ी यानी उत्तराखंड हमारे भाई भाईबंद हो चुके हैं जो मात्र फेसबुक पर कमेंट देते हैं प्रतिक्रिया देते हैं लाइक और शेयर करते हैं हमारा पहाड़ इतना सुंदर हमारे पहाड़ में प्लान हो गया ये हो गया वो गया तरह तरह की बातें करना तो ये सब इन्हीं की तरह है जब कोई बात आती है तो सब अदृश्य जाते हैं आज पहाड़ का जो सबसे बड़ा जो संदेश है सबसे, संदे सबसे भयानक स्थिति है मैं उसको ब्याह करूँगा आज हम उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े संस्थान चाहे वो कॉलेज हो इंटर कॉलेज हो विश्वविद्यालय की बड़ी बड़ी मांग कर रहे हैं लेकिन एक बात को देखकर बहुत दुख होता है कि आज हमारे बहुत से जो बेसिक विद्यालय थे वो बंद हो चुके हैं उनमें जाने वाला कोई नहीं है बस मात्र गरीबी का एक नाटक करते हैं वो किसी ले हमें बी कार्ड मिल जाए फ्री का राशन मिल जाए और बाकी अगर वैसी बात आती है तो फिर सरकारी टीचर्स जो है अपने बच्चों को वहाँ भेजे अरे क्यों भेजा भाई उनकी मर्ज़ी है वो कमा रहे हैं उन्होंने मेहनत करी है सरकारी तो हम पहले तो सबके लिए था सरकारी विद्यालय लेकिन अब तो सरकारी सिर्फ गरीबों के लिए है और मुझे नहीं लगता कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती नहीं है खूब पढ़ाई होती है बड़े बड़े क्वालिफाइड टीचर्स हैं लेकिन मात्र बहाना हो गया पढ़ाई नहीं है और वैसे हो सकता है कि मैं आपको स्कूल में जाकर कर कि हमारे इंटर कॉलेज के पीछे जस्ट एक बेसिक विद्यालय हुआ करता था जहां हम पढ़ते थे वो तो बंद हो चुका है कई वर्ष हो चुके मैंने परसों तहसील दे के दिवस के अवसर पर उसे खुलवाने की मांग भी करी है लेकिन दुर्भाग्य है कि जब मैंने किसी से बात करी तो कोई अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं है ऊपर से कहते पलायन हो जाए पैसा नहीं है चलो ठीक है मानते हैं कि सभी को अच्छी शिक्षा चाहिए लेकिन सरकारी विद्यालयों की जो शिक्षा का स्तर है वो इतना बुरा भी नहीं है बाक़ी आप कुछ समझदार हैं इशारा समझ गए होंगे मैं तो सरकार से नहीं। एक मांग भी करना चाहूँगा कि जो बीपीएल कार्ड बनते हैं किसके लिए बनते हैं इस पर भी जांच होनी चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि राशन खाने के लिए बी पी काट किसान निधि और बाकी समय सब गाड़ी मोटर सबके पास में है कोई पैदल तक नहीं चलता है इसलिए आज हमारे पैर रास्ते भी ख़राब हो चुके हैं तो सोचना आपका काम है मैं संदेश दे चुका कहीं पर गलती हो तो माफ़ कर देना ये मेरे अपने निजी विचार हैं जय हिंद जय जै भारत जय देव उत्तराखंड आप सभी को मेरा शादा नमस्कार